किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आप वैसे ही बन जाते हैं जैसे दोस्तों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जब आप अपने गोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं तब आपको दो तरह के लोग मिलते हैं, एक जो आपको मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की, दूसरे होते हैं जो हमेशा आपकी आलोचना करते हैं, आप में कमियां ढूंढते रहते हैं, कमजोरियां ढूंढते रहते हैं, आपको आपकी पिछलियां गलतियां बताते रहते हैं। वो ऐसे होते हैं जैसे एक खराब सेब एक टोकरी में पड़े बाकी अच्छे सेबों को खराब कर देता है, वैसा प्रभाव होता है इनका। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकालना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स का पता कैसे चलेगा? आप क्या कर सकते हैं कि एक लिस्ट तैयार कीजिए जिन फ्रेंड्स के साथ आप अपना बहुत समय व्यतीत करते हैं, और क्वेश्चन कीजिए अपने आप से कि आप किस तरह के इंसान बन रहे हैं उनके साथ रह के। क्या आप उनके साथ रह के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप मोटिवेट रहते हैं अपनी गोल की तरफ बढ़ने के लिए, या सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अगर आप लो माइंडेड पीपल्स लूजर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे जो अपनी लाइफ से निराश रहते हैं, नेगेटिविटी से भरे होते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते, अगर आप उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो आप भी लूजर ही बन जाते हैं। और इसी तरह अगर आप ड्रीमर्स के साथ रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ रहें जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप भी ड्रीमर बन जाते हैं। देखिए, अगर आप अपने सपने को पाना चाहते हैं, अगर आप अपने ड्रीम को पाना चाहते हैं, तो आपको बहुत एनर्जी और बहुत टाइम की जरूरत पड़ेगी। पर ये जो नेगेटिव फ्रेंड्स होते हैं जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, वो आपसे आपकी एनर्जी भी ड्रेन करते हैं, आपसे आपका टाइम भी मांगते हैं। अगर आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी इन्हें दे देते हैं तो आपको खुद के लिए एनर्जी और टाइम नहीं बचेगा। जब आप अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ होते हैं तब आप थोड़ा डर कर रहते हैं, क्योंकि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो आपको स्टडी करने के लिए मजबूर करते हैं क्योंकि आप उनकी तरह बनना चाहते हैं। देखिए, कई सफल लोगों का मानना है कि छोटा फ्रेंड सर्कल ज्यादा बढ़िया रहता है, मतलब अगर कम फ्रेंड्स होंगे तो कम डिस्ट्रैक्शन होगी, कम फोन कॉल्स आएंगे, कम मैसेजेस आएंगे, कम फ्रेंड्स गॉसिप होगी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इन चीजों पर वेस्ट करने के लिए। तो अगर आपके कम फ्रेंड्स हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले भी कम होंगे। दो तरह के लोग हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक होते हैं विश्वास पात्र, दूसरे होते हैं निर्वाचक। विश्वास पात्र लोग जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जिनके लिए तुम बहुत प्यारे होते हैं, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे तुम गरीब हो चाहे तुम अमीर हो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, वो तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देंगे, हर हालातों में तुम्हारा साथ देंगे। आप उनके साथ अपने सारे सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। उनकी सबसे अच्छी बात होती है कि वो तुमसे डरते नहीं तुम्हें खबरदार करने पर जब तुम गलत होते हो, चाहे उन्हें तुमसे झगड़ा करना पड़े, पर वो तुम्हें तुम्हारे पाथ से नहीं भटकने देते। जिंदगी में कामयाब बनने के लिए 2 से 3 विश्वास पात्र दोस्त या विश्वास पात्र लोगों का होना बहुत जरूरी है। दूसरी तरह के लोग आपके साथ होते हैं निर्वाचक। निर्वाचक लोग तुम्हारे साथ होते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है उनके गोल को हासिल करने के लिए, और तुम्हें उनकी जरूरत होती है तुम्हारे गोल को हासिल करने के लिए। पर अगर उन्हें कोई ऐसा मिल जाए जो आपसे तेजी से उन्हें उनके गोल तक ले जाए तो वो आपको छोड़ देते हैं, इसलिए उनके साथ सावधान रहना चाहिए। फ्रेंड्स हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, सो इन्हें हमेशा सावधानी से चूज कीजिए, क्योंकि ये आपको सफल भी बना सकते हैं असफल भी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको मोटिवेट रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी, सो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम होंगे कामयाब।